नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरक्षण विधेयकों को मंजूरी मिलने में हो रही देरी को लेकर एक बार फिर राजभवन पर निशाना साधा है। सीएम बघेल ने कहा कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, किसी विधेयक को कितने समय तक रोका जा सकता है। भूपेश कैबिनेट ने पिछली राज्यपाल अनुसुईया उइके के कार्यकाल में भी आरक्षण संशोधन विधेयक को उनकी मंजूरी के लिए भेजा था। यह विधेयक अब राजभवन में अटका हुआ है। विधानसभा में पारित हुआ, जितने भी गैर भाजपा शासित राज्य हैं, राजभवन की जो भूमिका है उसकी समीक्षा होना चाहिए। आखिर किसी बिल को कितने दिन तक रोका जा सकता है? जो ऐसे बिल जैसे सीधा जनता जुड़ा नहीं हुआ उसमें यदि कर रहे हैं तो समझ आता है। यदि वो कंकरेंट लिस्ट में है और उसमें यदि राष्ट्रपति के पास भेजा जाना है तो एक अलग बात है। लेकिन आरक्षण तो विशुद्ध रूप से राज्य का विषय है और उसमें राज्यपाल चार चार पाँच पाँच महीने तक के रोक के बैठे तो यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं, यहाँ के नौजवान युवक युवती हैं जिसको कॉलेज में भी एडमिशन लेना है और नौकरी में भर्ती होना है, उसको यदि रोका जाता है तो निश्चित रूप से इस बात की समीक्षा होना चाहिए कि आखिर किसी बिल को कितने दिन तक रोका जा सकता है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के अंबेडकर चौक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, संविधान खतरे में है। वर्तमान की केंद्र की सरकार लगातार संविधान की व्यवस्थाओं को कमजोर करने का काम कर रही है। आज आरक्षण जिसको जितना मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, सभी भर्तियां बंद है, न्यायपालिका को भी प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, सवाल पूछने वालों को दंडित किया जाता है, कुचलने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब लोकतंत्र खतरे में है। जैसे व्यक्ति वर्तमान केंद्र की सरकार है, लगातार संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, सबको कमजोर करने का काम किया जा रहा है। आज देखिए आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण लागू नहीं होने दे रहे हैं, जिसको जितना मिलना चाहिए वो हो नहीं रहा है, सारी भर्तियां बंद है, जितने भी संवैधानिक संगठन है उसको ही कमजोर किया जा रहा है, जिसमें हमारे न्यायपालिका को भी प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। तो सारे जो संगठन है उसको दबाया जा रहा है। आज लोकसभा में चर्चा होती नहीं, अडानी के मामले में सवाल पूछने पर सदस्यता समाप्त हो जाती है। उधर बेमेतरा जिले के बिरनपुर में हुई हिंसा पर राजनीतिक सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक सरकार को घेरते नजर आए, जिसके पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इसके पास कुछ नहीं है, बिरनपुर की घटना क्या उसमें जांच कमेटी बनाई जाएगी। छत्तीसगढ़ में लगातार अवैध रूप से आके लोग यहाँ बसते जा रहे हैं और उसके कारण में छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है अशांत हो रहा है। नहीं तो हम ये कहते थे एक समय कि छत्तीसगढ़ शांति का टापू है, आखिर अपराधगढ़ के रूप में क्यों बदल गया? और कहीं भी आप देखेंगे तो केवल एक घटना बिरनपुर की नहीं है, आप सुकमा से लेकर के नारायणपुर तक के और नारायणपुर के बाद में आपके जिस प्रकार से जसपुर तक की घटना और यहाँ पर जो बिरनपुर में उसका दिखाई दिया है तो उसका मुख्य कारण यही है। उधर खैरागढ़ में संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई और इस अवसर पर 16 मार्च से शासकीयकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे सचिवों ने ग्राम सभा के बहिष्कार के लिए जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सरपंचों को आमंत्रित किया और धरना स्थल पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि सरपंचों का सम्मान किया। इस मौके पर सतनामी समाज के जिलाध्यक्ष खुमान देशलहरे समेत कई लोग मौके पर मौजूद रहे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं छोरिया की, जहां पंचायत छोरिया में अपनी मांगों को लेकर पिछले एक धरने पर बैठे
लोग बैठे हुए हैं। वहीं सचिव शासकीय छुट्टी अंबेडकर जयंती स्थल पर मनाया गया। सचिव के हड़ताल पर जाने से विकास कार्य अन्य कामकाज नहीं हो पा रहे हैं। एक माह से निर्माण कार्य ग्रामीणों के सारे काम बाधित हैं। रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि कवर्धा से है, जहां नगर पंचायत पंडारिया नगर क्षेत्र अंतर्गत अवैध प्लॉटिंग का कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा है। कॉलोनाइजर सस्ते दामों में आदिवासियों के कृषि भूमि खरीद कर और स्वयं भूमि स्वामियों के द्वारा अवैध प्लॉटिंग कर बगैर डायवर्जन, बगैर नागरिक निकाय अनुमति के बाद खरीद बिक्री की जा रही है। काफी समय से भूमाफियाओं का हौसला बुलंद है, लेकिन राजस्व विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो अवैध प्लॉटिंग का कारोबार लगातार जारी है। आपको बता दें कि कवर्धा में आदिवासियों की जमीनों को सस्ते दाम में खरीद कर बड़े पैमानों पर अवैध कारोबार किया जा रहा है। राजस्व विभाग को इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कवर्धा के पंडारिया का यह पूरा मामला है, जहां पर बड़े पैमाने पर अवैध प्लॉटिंग का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में राजस्व विभाग की तरफ से कोई भी सुध नहीं ली गई है। वहीं अंबेडकर जयंती के अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि एक तरफ देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ बाबा साहेब अंबेडकर दबे कुचले समाज को अधिकार दिलाने के लिए संगठित कर संघर्ष कर रहे थे। सीएम ने कहा कि बाबा साहेब ने समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षित होकर संगठित होकर संघर्ष करने की प्रेरणा दी। वहीं सीएम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं को लगातार कमजोर किया जा रहा है। 135 करोड़ की आबादी वाला देश के लोगों को ताकत वही है जो हमें संविधान में ताकतवर अधिकार मिले हैं। आज की स्थिति क्या है, जो संविधान हमारे हितों की रक्षा करते हैं, आज वही खतरे में है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं में क्रियान्वयन को लेकर कलेक्टर और अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि तीन विभागों की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें केंद्र सरकार की योजना स्वच्छता नल जल योजना पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एवरेज में छत्तीसगढ़ बहुत ही नीचे स्तर में है, भारत सरकार की ओर से कोई दिक्कत नहीं है, दो सालों से धीमी गति से कार्य हुआ है। 2019 में छत्तीसगढ़ 6.7% पर था और अभी 43% 42.7% पर पहुंचा है, जबकि नेशनल एवरेज 60% है। भारत के 60% परिवारों को पाइपलाइन के पास द्वारा पानी पहुंच गया, उसमें तेलंगाना, गोवा, हरियाणा, दमन दीव, पांडिचेरी और अंडमान निकोबार, ये ऐसे राज्य हैं जिनने 100% टारगेट अचीव कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान के राष्ट्रीय एवरेज में छत्तीसगढ़ सबसे पीछे है पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि जल संसाधन मंत्री आए थे तो बैठक में मैंने कहा था कि आपने शौचालय बना दिए लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं की। उन्होंने कहा कि आप घर घर में पानी लगा रहे हैं लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं की। बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ पानी नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार नवरा प्रोजेक्ट पहले से चालू किया है ताकि जो जल का भूमि का जल है वो लोगों तक पहुंच सके। जल संसाधन मंत्री आए थे, बैठक हुई थी मेरी चैंबर में, तब मैंने कहा था आप शौचालय बना दिए हैं, पानी की व्यवस्था नहीं की है, अब घर घर में नल लगा रहे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ नरवा प्रोजेक्ट हमने लागू पहले चालू किया है ताकि जो भूमिगत जल है
वो पहुंचे। आज बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पानी नहीं मिल रहा है और लगातार जब पानी उलीचेंगे, अभी जब ये हालत है, जब सारी टोटियां शुरू हो जाएंगी लाखों की तादाद में, तब पानी कहां से मिलेगा? उसकी व्यवस्था भारत सरकार कर रही क्या? छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। वहीं रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान सामने आया है। बस्तर में प्रियंका गांधी का दौरा सफल रहा। उन्होंने कहा है कि बस्तर के लोगों को गांधी परिवार का दशकों से जुड़ाव रहा है। महिलाओं के साथ प्रियंका गांधी का संवाद कार्यक्रम अच्छा रहा है। साथ ही साथ बस्तर में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद विकास की गति तेजी से आगे बढ़ रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि प्रदेश में बस्तर के दौरे पर प्रियंका गांधी पहुंची थी, जहां पर इस दौरे को लेकर बयान सामने आया है। कहा गया है कि बस्तर की जनता को गांधी परिवार से ज्यादा लगाव रहा है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा का यह बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी का दौरा सफल रहा है। महिलाओं के साथ प्रियंका गांधी का संवाद कार्यक्रम अच्छा रहा। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि बस्तर में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद विकास की गति तेजी से आगे बढ़ गई। जगदलपुर बस्तर में एक बहुत ही सफल कार्यक्रम हुआ, जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को, बघेल जी को और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। लाखों की संख्या में लोग आए और हमारी सरकार जो इतना अच्छा कार्यक्रम कर रही है हर वर्ग के लिए, आज बस्तर में बहुत बड़ी सौगात मिली है और हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी वहाँ पर आई। उनका जिस उत्साह से लोगों ने स्वागत किया, जो कि आज ही नहीं बल्कि कई पीढ़ियों से एक लगाव रहा है गांधी नेहरू परिवार के साथ। हमने देखा वहाँ पर नेहरू जी भी जो सबसे पहले 1955 में आए थे और उनके बाद लगातार ये परिवार यहाँ आता रहा। खुशी की बात ये थी और ख़ास तौर से प्रियंका जी ने जो महिलाओं से इंटरेक्शन किया, उनसे बातचीत की और जो हमारी सरकार की स्कीम्स प्रोग्राम्स की सुविधाएं महिलाओं को मिल रही हैं, वो खुशी प्रियंका जी को तो हुई। वहीं 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आह्वान पर सामाजिक समरसता सप्ताह मनाया गया, जिसके तहत शहर के भरकापारा स्थित इंदिरा सरोवर में बीजेपी पार्षद दल, मंदिर परिसर और सरोवर की पचरी में स्वच्छता अभियान चलाया गया। नगर पालिका निगम राजनांदगांव के नेता प्रतिपक्ष कृष्णु युदू ने बताया कि बीजेपी अपने स्थापना दिवस 6 से लेकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल तक सामाजिक समरसता सप्ताह मनाया गया है। इसी क्रम में बीजेपी पार्षद दल और युवा मोर्चा, महिला मोर्चा समेत सभी विंग के पदाधिकारियों के साथ भरकापारा स्थित इंदिरा सरोवर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। सभी ने मिलकर मंदिर परिसर और सरोवर की सफाई की। तो बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ के बस्तर दौरे पर पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने गोंडी बोली में अभिवादन के साथ अपनी बात की शुरुआत की, जहां उन्होंने कहा कि उनके परिवार का बस्तर से विशेष लगाव रहा है।
वह यहां पर पहली बार आई हैं, लेकिन बचपन से बस्तर के बारे में, यहां के लोगों के संघर्ष के बारे में सुनती आई हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी की 15 साल की सरकार ने बस्तर के लोगों को निर्भर बनाया, आत्मनिर्भर नहीं बनाया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमने किसानों और आदिवासियों का भरोसा जीता है। जी, पहली बार छत्तीसगढ़ में, दूसरी बार लेकिन बस्तर में पहली बार गई, और बस्तर के लोग जो बड़े बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, वो इंदिरा जी को आज भी याद करते हैं, और इंदिरा जी के पोती से मिलने लाखों लोग आए थे बस्तर के। और दूसरी बात यह है कि जो भरोसा सम्मेलन हम लोगों ने आयोजित किया, तो इन चार साढ़े चार सालों में हमने किसानों का भरोसा जीता, आदिवासियों मतलब किसानों का भरोसा, मतलब देश में सबसे ज्यादा यदि उत्पादन कीमत किसी को मिलता है तो कहीं मिलता है तो छत्तीसगढ़ में, चाहे वो धान हो, चाहे गन्ना हो, कोदो, कुटकी, रागी, इन सब की कीमत सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में, इसलिए किसानों का भरोसा छत्तीसगढ़ सरकार पे, कांग्रेस की सरकार। दूसरी बात ये कि आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन और जो कानून यूपीए सरकार में बनाया, चाहे फॉरेस्ट राइट एक्ट का हो, चाहे पेशा हो, उस सबको हमने लागू किया है, जमीनें भी दी, और जो लघु अनुपज है उसका समर्थन मूल्य 65% के लघु अनुपज के समर्थन मूल्य हमने न केवल घोषित किया बल्कि खरीदी कर रहे हैं, और उसका वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं, और जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। वहीं रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रदेश में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है, 44 डिग्री के पार पारा पहुंच चुका है। सारणगढ़ की अगर बात करें तो सारणगढ़ में 42.8 डिग्री दर्ज किया गया है तापमान। वहीं प्रदेश के कई और हिस्सों की अगर बात करें तो तापमान 44 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग की तरफ से गर्मी को लेकर अनुमान लगाया गया है कि अगले 5-6 दिनों में 3-4 डिग्री तक तापमान बढ़ सकता है। गर्मी का कहर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। सर्वाधिक तापमान सारणगढ़ में देखने को मिल रहा है, जहां पर तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। इसके साथ साथ मौसम विभाग की तरफ से अनुमान लगाया गया है कि अगले 5-6 दिनों में 3-4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ सकता है। तो मौसम विभाग का अनुमान लगाया गया है, मौसम विभाग की तरफ से कहा है कि अगले 5-6 दिनों में 3-4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान आगे बढ़ सकता है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर प्रदेश में एक बार फिर से गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं छुरिया की, जहां मोटी टोला में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें धान्य सीड से बीडीएम अभिषेक सिन्हा, टेरिटरी मैनेजर अभिषेक मिश्रा और एफपीओ आदिवासी धरोहर से अध्यक्ष रवि पाल के द्वारा किसानों को शंकर धान के फायदे बताए गए। इसके साथ ही धान लगाने वाले किसानों को उपज सम्राट का प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में 300 से अधिक संख्या में किसान शामिल हुए। तो एक किसान मेरा दोस्त है,
केदार नाम को राम दफ्तर करने हैं उसने और मैंने मतलब वो तो उसका खुद का 30 एकड़ का खेती है लेकिन वो हमने किसी और का खेत बटाई में लेके हम लोग करते थे और ये 2013-14 की बात है जब से हम धानिया 775 मैंने साहब को भी एक दिन बोला 775 ही चाहिए तो उन्होंने बोला नहीं अब 775 पुरानी वेरायटी हो गई अब 775 को बदलो तो अब वो किसान के साथ हम जब भी बात करते हैं तो उसका 30 एकड़ में 15 एकड़ में तो वो धानिया लगाएगा लगाएगा उसके बाद वो बदलता है दोबारा डोंगर गांव की ग्राम पंचायत सुकरे एक कदम विकास की ओर अग्रसर है। लोगों की मांगों को पूरा करते हुए आज भूमि पूजन किया गया। डोंगर गांव जनपद सभापति चंद्रकांत रोहित सोनकर ने कहा कि सुकरी और छीका के वार्ड क्रमांक 12 और 13 की गलियां बारिश के दिनों में खराब हो जाने की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिसको देखते हुए ग्रामीणों की मांग पर सीसी रोड की स्वीकृति जनपद डोंगर गांव से कराई गई थी। भूमि पूजन के अवसर पर जनपद सभापति चंद्रकांत रोहित सोनकर, मोनीश साहू जनपद सदस्य, सरपंच सुरेंद्र गिरी गोस्वामी, रोहित सोनकर महामंत्री, जिला किसान कांग्रेस समेत कई गणमान्य शामिल हुए। वहीं बीते दिनों जिले के सरदारपुर में सड़क हादसे में किसान परिवार समेत 4 सदस्यों की मौत हो गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने संवेदना प्रकट की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहुंचते ही सबसे पहले दिवंगत पिता पुत्र को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उसके बाद दिवंगत किसान की पत्नी और दिवंगत किसान के पुत्र की पत्नी से घर में मिलने पहुंचे और मुख्यमंत्री का संवेदनशील चेहरा सामने आया, जहां उन्होंने हर संभव मदद का वादा भी किया। तो धार की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर किसान की मौत हो जाने के बाद सीएम खुद उनके घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाया और साथ ही साथ उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी हर संभव मदद की जाएगी। मुझे जानकारी मिली और पढ़ा तो मेरा मन विचलित हो गया। अगर गेहूं फैल गया था तो सकेल ने बाप बेटा भी गए थे, दो साथी भी गए थे और उनको फिर रौन दिया गया। एक्सीडेंट में वो चले गए। एक बहन है जो छोटे से बेटे को लेके ऐसे दुख को झेल रही है। दूसरी बहन से भी मैं मिलकर आया हूं और मैं उनका अभिभावक हूं। अगर पति नहीं है और कोई सहारा नहीं है तो भाई है, इसी भाव से मैं आया हूं। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।